सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया में टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कौन कौन से पावर प्लांट उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और कौन से पावर प्लांट के ऊपर हमारा इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बताया था कि हमारे इंडिया के पास टोटल कितने ईयर्स तक का कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बचा हुआ है, तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे इंडिया के पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी 344 गीगावाट की है। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको जनरेट करने के लिए हम लोग दो एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर पहला एनर्जी सोर्स है वो एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स एंड जो सेकेंड है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन करता है इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एंड जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो टोटल 230 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हमारी इंडिया के अंदर, जो कि हमारी टोटल कैपेसिटी का 67% है। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसके जो मेन सोर्स है वो है कोल, न्यूक्लियर गैस एंड डीजल। तो दोस्तों, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा और भी डीप में देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो टोटल 114 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन करता है हमारी इंडिया के अंदर, जो कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 33% है। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसके अंदर कौन कौन से पावर प्लांट आते हैं और उनका कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पीछे। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर कोल, न्यूक्लियर गैस एंड डीजल पावर प्लांट आते हैं, वन बाय वन हम लोग सबको देखेंगे। तो दोस्तों, जो कोल है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं, मींस हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो है कोल, मींस हम लोग कोल को जलाते हैं, उसके बाद उसकी हीट से हम लोग पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करने के बाद उसकी स्टीम से हम लोग जनरेटर को घुमाते हैं। तो जो पानी को गर्म किया जाता है वो कोल की हीट की वजह से किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग कोल को यूज करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है वो टोटल 196.95 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि हमारी टोटल इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का 57% है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा कोल अवेलेबल है, इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट को हम लोग धीरे धीरे यूज़ करना कम कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग कोल को यूज़ करते हैं और कोल को यूज़ करने की वजह से उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है, उसके वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो हमारे इंडिया ने फैसला किया है कि जितना कम हो सके उतना कम अपने को थर्मल पावर प्लांट को यूज़ करना है, इसके लिए थर्मल पावर प्लांट का जो रेशो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारी इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पीछे खाली 2% कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि 6.78 गीगावाट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना कम कंट्रीब्यूशन क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज़ करने के पीछे बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हो सकता है टेररिस्ट अटैक भी हो जाए और साथ ही साथ न्यूक्लियर जो होता है वो रेडिएशन क्रिएट करता है, इसकी वजह से उसमें सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, अब हमारी इंडिया के अंदर अब न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं बनाया जा रहा, जो पुराने न्यूक्लियर पावर प्लांट है खाली उनको ही चलाया जा रहा है, न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं बनाया जा रहा, बट जो अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको चलाया जाएगा। जैसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए 5-6 साल लगता है, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे 2015 में जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जो कि बनना स्टार्ट भी हो चुका है, तो वो पावर प्लांट चलेगा, बट कोई न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट को अब नहीं बनाया जा रहा। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो गैस पावर प्लांट होते हैं उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो गैस पावर प्लांट है वो खाली टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 7.2% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि 24.86 गीगावाट है। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि डीजल पावर प्लांट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पीछे। तो जो डीजल पावर प्लांट है वो खाली 0.2% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 0.38 गीगावाट है।
तो जो डीजल पावर प्लांट होता है नॉर्मली उसको नहीं यूज किया जाता, मीन्स थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसके साइड में ही डीजल पावर प्लांट को बनाया जाता है। जब भी ओवरलोडिंग होता है मीन्स ज़्यादा लोड बढ़ गया पावर प्लांट का, तब डीजल पावर प्लांट को ऑन किया जाता है, नॉर्मली डीजल पावर प्लांट को यूज़ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर कोल, न्यूक्लियर, गैस एंड डीजल पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर कौन से पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन होता है और वो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स थे जैसे कि कोल हो गया, तो कोल को यूज़ करने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को यूज़ किया। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलार पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट एंड टाइडल एनर्जी पावर प्लांट यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग वन बाय वन सारे पावर प्लांट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट कितना इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडिया के अंदर। तो दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक है लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट एंड सेकंड इज स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है वो हमारे इंडिया के अंदर 45 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि 13.2% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े डैम को बनाया जाता है उसको हम लोग लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं, और जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है वो जैसे कि छोटे छोटे जो डैम होते हैं उनको स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट बोला जाता है। तो दोस्तों जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है वो टोटल 4.4 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 1.3% है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि विंड पावर प्लांट कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो जो विंड पावर प्लांट है वो टोटल 34 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि 9.9% है हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने हीरी एरिया में देखा होगा कि बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगाए जाते हैं, जो कि विंड पावर प्लांट होते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि सोलर पावर प्लांट कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो जो सोलर पावर प्लांट है वो टोटल 21 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि 6.3% है हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों हमारा जो इंडिया है वो सोलर पावर प्लांट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है इस टाइम पे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो बायोमास पावर प्लांट होता है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो जो बायोमास पावर प्लांट होता है वो 8.8 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि 2.6% है हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो बायोमास पावर प्लांट है उसके अंदर हम लोग लकड़ी और जो पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह होते हैं उनका यूज़ करते हैं, मीन्स उनको जला करके हम लोग वाटर को बॉइल करते हैं और टर्बाइन को घुमाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो इंडिया है वो मेन सोलर पावर प्लांट के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इनके अंदर बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट को बनाया गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है जिसका नाम रीवा प्रोजेक्ट है। ये जो सोलर पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट की है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बताया था कि हमारे इंडिया के पास खाली 13 इयर्स तक का ही क्रूड ऑयल बचा हुआ है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 2030 तक जितने भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिक कार के अंदर। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मुंबई के अंदर जो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक बस है वो चलना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे इंडिया के पास टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है और कौन कौन से पावर प्लांट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।